हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं तस्खीर नौमान और हम रिएक्ट कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर टॉप 5 गुड फील्डिंग एफर्ट्स बाय मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान आजकल के सितारे हैं, पाकिस्तान टीम के उभरते हुए सितारे हैं, मुल्तान सुल्तान के कप्तान हैं और जिता चुके हैं हाल फिलहाल में। अभी करेंटली इस वीडियो को बनाते वक्त PSL चल रहा है, PSL 7। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं, टॉप 5 गुड फील्डिंग एफर्ट्स मोहम्मद रिजवान के। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू साजिद क्रिकेट फैक्ट्स। दोस्तों, क्रिकेट में एक अच्छा फील्डर एक अच्छा कैच या रन आउट्स करके एक डेंजर बैट्समैन का खात्मा कर सकता है। दोस्तों, मोहम्मद रिजवान ने विकेट के पीछे और बाउंड्री में खड़े होकर ऐसे कैच लिए जिसे देखकर आप अपने आंखों पर यकीन नहीं कर सकेंगे। दोस्तों, हम आपको आज के वीडियो में मोहम्मद रिजवान की 5 फील्डिंग एफर्ट्स दिखाने वाले हैं, लेकिन हमेशा की तरह आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। नयंबू वर्सेस मोहम्मद रिजवान। दोस्तों, पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे के मैच में शोएब मलिक की बॉल को जिम्बाब्वियन बैट्समैन ने फाइन लेग में चौका मारना चाहा, तो बॉल स्क्वायर और शॉर्ट फाइन लेग के दरमियान गिरने ही वाला था कि मोहम्मद रिजवान ने स्क्वायर से डाइव लगा के एक मुश्किल तरीन मोहम्मद रिजवान ने कैच पकड़ के सबको बता दिया कि मैं फील्डिंग में भी किसी से पीछे नहीं हूँ। मोइन अली वर्सेस मोहम्मद रिजवान। दोस्तों, हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ मोहम्मद रिजवान का ये कैच बहुत वायरल हुआ था। दोस्तों, शदाब खान की गेंद में मोइन अली ने कट करना चाहा तो बैट का एज होते हुए मोहम्मद रिजवान के पास गया तो मोहम्मद रिजवान से ड्रॉप हुआ और आगे गिरने ही वाला था कि मोहम्मद रिजवान ने अपने आगे तरफ डाइव लगा के एक ऐसा कैच लिया जिसे देख कर MS धोनी भी हैरान हो गए। कॉलिन मुनरो वर्सेस मोहम्मद रिजवान। दोस्तों, हमने मोहम्मद रिजवान की अच्छी फील्डिंग देखी, अच्छा कैच देखा। अब हम आपको दोस्तों मोहम्मद रिजवान की बेहतरीन रन आउट्स दिखाएंगे। दोस्तों, जब पाकिस्तानी बॉलर अनवर अली ने न्यूजीलैंड के बैट्समैन केन विलियमसन को बॉल किया तो केन विलियमसन ने मिड विकेट की तरफ फ्लिक किया और दूसरे एंड के बैट्समैन कॉलिन मुनरो हल्का सा भाग पड़े। कॉलिन मुनरो ने ये नहीं देखा कि शॉर्ट मिड विकेट पे होशियार फील्डर मोहम्मद रिजवान खड़े हैं। मोहम्मद रिजवान ने गेंद पकड़ा और विकेट उड़ा दी और अब यकीनन कोई भी बैट्समैन मोहम्मद रिजवान के सामने होशियारी नहीं करेगा। मोहम्मद रिजवान वर्सेस श्रीलंकन प्लेयर। दोस्तों, ये क्लिप है पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का। दोस्तों, जब श्रीलंकन बैट्समैन ने शोएब मलिक की एक बैट बॉल को लॉन्ग ऑफ पे छक्का मारना चाहा तो रिजवान ने भागते हुए एक हाथ से कैच पकड़ा, लेकिन दोस्तों मोहम्मद रिजवान बाउंड्री पे टच हो गए और ये चौका हो गया। लेकिन दोस्तों, अगर ये बाउंड्री पे टच नहीं होते तो ये दुनिया का बेस्ट कैच होता। बहुत ही जबरदस्त भागते भागते अनवर अली वर्सेस मोहम्मद रिजवान। दोस्तों, नेशनल टी20 कप में जब अनवर अली ने एक शॉट उड़ाया तो मोहम्मद रिजवान ने भागते हुए अपने सीधे तरफ एक खतरनाक डाइव लगा के नामुमकिन कैच को मुमकिन बनाया। दोस्तों, यकीनन ये कैच पकड़ना किसी आम फील्डर के लिए आसान नहीं था। ये कीपिंग वाले एंड हाथ है इसके। बहुत बढ़िया यार, मजा आ गया देख के। शादाब की तरह इन्होंने करा, हमने कल शादाब का वीडियो देखा था। ये मतलब फील्डिंग और कैचेस भी, आपको कैच बहुत ज़बरदस्त लगी, मतलब कीपिंग पे जो इन्होंने पकड़ी थी आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से छूटती हुई कैच को उन्होंने उनसे टकराई, उनकी बॉडी से टकरा करके भी बॉल और बिल्कुल ज़मीन पर गिरने वाली थी तो उसको कैच कर लिया इन्होंने। क्या लाजवाब फील्डिंग थी जो हिट मारी थी इन्होंने, फील्डिंग करते हुए जो हिट मारी थी डायरेक्ट विकेट पर लगी, उसके अलावा मतलब सब तरह कहीं भी इनको लगा दीजिए तो फील्डिंग कर सकते हैं, ये देखकर पता चलता है। कीपरिंग ही नहीं, बाकी और भी जगहों की फील्डिंग कर सकते हैं, ये कहीं भी लगा दीजिए। और वो जो भागते हुए जो बाउंड्री हो गई थी, भागते भागते कैच पकड़ा उन्होंने लेकिन बाउंड्री पर गिर गए, वो भी बहुत ज़बरदस्त कैच था। अगर वो बाउंड्री नहीं होता तो शायद उसको बहुत ज़्यादा अच्छी नज़रों से देखा जाता कि हाँ उसने बचा लिया, लेकिन हाँ उस वो पॉसिबल नहीं था, उनको गिरना ही था उस बाउंड्री पर। ओवरऑल इनके फील्डिंग एफर्ट्स को देखकर यार सच में मज़ा आ गया। इनके मतलब अंदर से जुनून दिखता है क्रिकेटर का एक कि हाँ मुझे ये करके दिखाना है और पकड़ना है, टीम के लिए करना है, तो बस उनके माइंड में कुछ नहीं आता कि करके दिखाना है, करना है कुछ भी करके। तो वो चीज़ें थी, वैसा जुनून जज्बा। और शादाब की हमने जो कल वीडियो देखी थी उसमें भी ऐसे ही कुछ देखने को मिला ज़बरदस्त। उनको जॉन्टी रोड कहते हैं वही पाकिस्तान का। एंड रिजवान को क्या कहेंगे फिर, रिजवान भी मुझे उन्हीं की टक्कर के लग रहे हैं इसमें, कोई कंपैरिजन नहीं है। बाकी इसको देखकर मज़ा आया, कमेंट सेक्शन में बताइए। आप में से ही कुछ लोगों की रिक्वेस्ट थी कि इस पर भी रिएक्ट करें तो हमने कर दिया, और रिक्वेस्ट करने के लिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।